अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आप सबको शेखो पिजन क्लब में खुश आमदीद। दोस्तों कबूतर सारे इंतज़ार कर रहे हैं, ये चेक करें, शाम का वक्त तक कबूतर दाना मांग रहे हैं। ये ब्रीडर कबूतर हैं और ऊपर भी सारे कबूतर खुले हुए हैं, दाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी मैं दाना लेके आऊँ ब्रीडर कबूतरों के लिए, आपके साथ मैं का शेयर कर देते हैं कि कौन सा कबूतरों को इन दिनों में, वैसे भी सर्दी के दिनों में वो कबूतरों को यूज़ करवाना चाहिए। गर्म दाना होता है, कबूतर को फिट रहते हैं और बच्चों की पलाई भी अच्छी होती है। अभी मैं आपको दाना चेक करवाता हूँ जो मैं लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, दाना जो कि मिक्स लेके आया हूँ, दाल दाना, ये कबूतरों के लिए बड़ा बेस्ट है। जो ब्रीडर कबूतर है बड़े शौक से खाएंगे, और ये दाना वगैरह, इसमें दाल वगैरह हर किस्म की चीज़ है। और दालें जो अंदर हैं ये चेक करें, रेड रेड कलर की, ये बड़ी गर्म होती हैं, मोठ वगैरह, चनी है, सूरजमुखी के बीज हैं, हर एक चीज़ इसके अंदर है। तो ये कबूतरों के लिए बहुत बेस्ट है, सर्दी से भी बचे रहते हैं कबूतर और बड़े शौक से भी खाते हैं, और बच्चे दो दो की पलाई होती है। ये चेक करें माशाल्लाह, ये किस तरह इन्होंने ये कटी मादी अंदर रह गई है, इसके भी बच्चे हैं, बच्चे की पलाई कर रही है। तो अभी आ जाएगी नीचे, ये कबूतरों के लिए ज़्यादा दाना कर दिया ब्रीडर कबूतरों के लिए, ताकि बच्चे सारे फिट पलें और दो दो की पलाई सही हो, एक साइज़ के बने। अभी मैं एक आपको बच्चा भी दिखाता हूँ, ये चेक करें दोस्तों, ये माशाल्लाह, ये चेक करें, ये बच्चे आप देख रहे हैं, इस तरह की पलाई होती है। सेहतमंद बच्चे हैं और बिल्कुल फिट फाट हैं। ये दाना आपने चेक किया, मिक्स दाना डालें और बच्चों की पलाई बेहतरीन करें, और अपने खुड्डों में स्प्रे लाजमी करें मच्छरों की, मच्छरों से बचाना ज़रूरी है। एक भी मच्छर नहीं है बच्चों को, और बच्चों का साइज़ देख लें, अभी चोगा इन्होंने देना है, माशाल्लाह पहले से फिट है और अभी भी चौक अंदर है। बाकी आप ही अपने कबूतरों को ये इस्तेमाल करवाएं। बाकी इनको दाना डालते हैं, बाकी जो ऊपर वाले हैं उनको भी क्या नाम है, दाना डालते हैं। ले दोस्तों, ये मिक्स दाना जो ब्रीडर को डाल रहा हूँ, एक गिलास ये लेके आ गया हूँ, ऊपर वाले कबूतर जो सादे हैं जिनके कोई बच्चे नहीं है, और बाकी ये गंदम और मकई ये भी है, और ये मिक्स दाना एक गिलास ये और आधा जग ये। तो ये कबूतरों को मैं ये इस तरह दाना डाल रहा हूँ, और बाकी कबूतरों को जो ब्रीडर हैं उनको सिर्फ यही दाना डाल रहा हूँ, ताकि बच्चों की पलाई अच्छी हो। अभी आप चेक करें किस तरह माशाल्लाह कबूतर हिलते हैं, आटे लगाते हैं। ये माशाल्लाह चेक करें दोस्तों, एक टाइम दाना दे देता हूँ इनको, तो ये सब कबूतर माशाल्लाह इधर भी फिट हैं। अगर ज़्यादा दाना डालूंगा तो ये बीमार हो सकते हैं, कोशिश करें कि एकदम एक टाइम ही दाना डालें सब। ये एक जोड़ा अंदर लगाने के लिए पिंजरा रखा, ये अपने जीरी मादी और लाखा कबूतर, दोनों माशाल्लाह बड़े लगे हुए हैं और बड़ी परवाह है इनकी। तो ये जोड़ा पक्का तकरीबन हो चुका है,
बाकी माशाल्लाह ये चेक करें, ये जाल की सफाई भी होने वाली है। ये कबूतर है, इनमें से ज़्यादा कबूतर लगे हुए हैं। नए कबूतर जो होते हैं मैं वहाँ ले देता हूँ परवादी छत पर। ये माशाल्लाह ऊपर कबूतर उड़ भी गए हैं, वो पट्ठी और पट्ठा एक उड़ गया, तीन चार कबूतर उड़ गए हैं। दाने का टाइम है, इस टाइम में ठापे लगाते लगाते ना ऐसे ही करते हैं, चेक करें, इन्होंने ठापे लगानी है तो फिर जाके इन्हें काबू आना। बाकी ख्याल लें दोस्तों, आपके साथ दाना शेयर करना था। आप ही अपने कबूतर जो ब्रीडर कबूतर हैं उनको इस तरह का दाना, दाल दाना लेके आए, मिक्स दाना, इससे ये आपके बच्चे को पलाई भी अच्छी रहेगी और कबूतर ठंड भी महसूस नहीं करेंगे। कबूतर माशाल्लाह इंशाल्लाह तल फिट रहेंगे। बाकी इनको मैं दाना वगैरह खाता हूँ और शाम का टाइम हो गया, बंद भी करते हैं। बाकी जो दोस्त चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।